नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पन्ना जिले की समीक्षा बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो पन्ना जिले की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है, सीएम जिले के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तो बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़े हैं। आपको बता दें कि कल सीएम ने सिंगरौली की समीक्षा की थी, जिसमें तमाम कामकाजों की जानकारी ली थी मुख्यमंत्री ने। साथ ही जिस तरह से सिंगरौली में गौरव दिवस मनाया गया, उसको लेकर तारीफ भी की थी। और आज पन्ना जिले की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जिले के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ले रहे हैं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी जुड़े हैं, जो कि कामकाज किस तरह से किया जा रहा है जिले में, उसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिलों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सिंगरौली की बैठक कल हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारियां ली। और आज पन्ना जिले की समीक्षा बैठक रखी गई है, जो कि शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर हम ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, कल सिंगरौली की समीक्षा बैठक और आज पन्ना जिले की बैठक शुरू हो चुकी है। लगातार कलेक्टरों के साथ पहले भी संवाद करते रहे हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव होने के चलते यह संवाद नहीं हो पाया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री तमाम जो व्यस्त कार्य थे उनसे जो है मुक्त हो गए हैं और भी पिछले दिनों बाढ़ की जो स्थिति आई है उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। इस लिहाज से सिंगरौली जिले की कल बैठक हुई, इसमें तमाम जो जिला स्तर पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इनमें कितने हितग्राहियों को लाभ मिला है, क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनको समय सीमा के अंदर पूरा करना है, इन तमाम योजनाओं का फीडबैक लिया है। और आज पन्ना जिले की बैठक चल रही है, कलेक्टर और जो SP है, स्थानीय जो अधिकारी है विभागों की, वो तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री ना सिर्फ कलेक्टरों से जो तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि जिले की क्या स्थिति है, जैसा कि बुंदेलखंड का इलाका है, बाढ़ की स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है, चंबल के कई क्षेत्र हैं, तो ऐसे में बुंदेलखंड की क्या स्थिति है इसको लेकर रिव्यू किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी है उनसे विभाग के साथ साथ क्या नए आयाम है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अक्सर ये बात करते हैं कि विभागों को नवाचार प्रस्तुत करना चाहिए, और इसी लिहाज से क्या कुछ नए नवाचार किए जा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। खासतौर पर कलेक्टर से जो है वो जिला स्तर पर किन विषयों को लेकर जनता में परेशानी है और क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही बजट इसके लिए अलॉट किया गया था और क्या काम पूरे हुए हैं और किन कामों की गति धीमी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए तमाम चीजों को लेकर समीक्षा तो की जा रही है। कल की जिस तरह की बैठक में सामने आया, सिंगरौली में गौरव दिवस जिस तरह से मनाया गया, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की तारीफ भी की, आज क्या कुछ उम्मीद है, जिस तरह से पन्ना की तस्वीरें सामने आती है, पन्ना में क्या कुछ हालात हैं? देखिए, पन्ना जिले में हालात जो है वो सरकार के पास हर समय मौजूद रहते हैं। सरकार के कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसमें राजनीतिक नेता भी शामिल हैं, लगातार मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत भी कराते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं, क्या कमियां हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री आज कलेक्टर से बातचीत करेंगे। कल सिंगरौली में जो आपने पहले कहा कि गौरव दिवस को लेकर तारीफ की गई थी, मुख्यमंत्री पहले भी ये कह चुके हैं कि कई जिलों में गौरव दिवस नहीं मनाया गया है, और इसी लिहाज से जिलों को गौरव दिवस स्थानीय स्तर पर मनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, और इसी के लिहाज से मुख्यमंत्री आज पन्ना कलेक्टर के साथ भी बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक फिलहाल जारी है, करीब 2 घंटे करीब ये बैठक चलेगी, इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो सीएम जिले के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है, अब कितने समय तक ये बैठक चलती है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। तो कल सिंगरौली की और आज पन्ना जिले की बैठक जारी है। कल सिंगरौली की बैठक सम्पन्न हुई, आज पन्ना जिले की बैठक शुरू हुई है। और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, अधिकारी